आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। फ्रेंड्स, यह एक एक्सट्रैक्ट है एक नोवेल डेविड कॉपरफील्ड, उस नोवेल का ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया है ये चैप्टर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। देखिए इसमें क्या होता है, माई जर्नी टू डोवर वॉज अ वेरी डिफिकल्ट वन। अब यहाँ पर जो ऑथर है, हमारा नरेटर है, वो कहता है कि मेरी जो जर्नी है कहाँ की, डोवर के लिए। डोवर एक जगह का नाम है, ठीक है, वो डोवर के लिए निकलता है, उस जर्नी के बारे में बताता है कि मेरी जर्नी डोवर के लिए बहुत डिफिकल्ट थी। आई वॉज रोब्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज आई हैड लेफ्ट द हाउस। वो बताते हैं कि डोवर के लिए जब मैं घर से निकला था, तो जैसे ही मैं घर से निकला था, कुछ दूर आगे गया था, मुझे लूट लिया गया था, मेरा सामान सारा चोरी हो गया था, मैं लूट गया था। आई हैड नो प्लेस टू स्लीप एंड एट टाइम आई स्लेप्ट इन हैस्टेक्स दैट ले इन डिजर्टेड बर्न्स। अब आगे बताते हैं कि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उस समय मैं कहाँ पर सोया करता था, खाली पड़े हुए जगह पर जहाँ पर ढेर पड़ा होता था घास फूस का, उन वहाँ पर मैं सोया करता था। इस तरह से मेरी जब जर्नी में घर से निकला था डोवर के लिए, तो सबसे पहले तो मेरा सामान चोरी हो गया, फिर मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, तो जहाँ पर खाली जगहों पर जो ढेर लगे रहते थे घास के, घास फूस के, मैं वहाँ पर सोता था। आई एनकाउंटर्ड डेंजर्स ऑफ ऑल काइंड्स। वो कहते हैं कि जर्नी के दौरान मेरा कई चीज़ों से इनकाउंटर, बहुत सारे खतरों से मेरा इनकाउंटर हुआ, बहुत सारे खतरे मैंने झेले। आई गॉट अ 6 mile राइड इन अ कार्ट एंड वॉक्ड द रेस्ट ऑफ द वे टू माई आंट मिस बैट्सटीज हाउस। अब आगे बताते हैं कि इतना सब होने के बाद मैंने 6 mile की राइड करी, किस चीज़ से, कार्ट से, मतलब एक गाड़ी उन्हें मिली, बैलगाड़ी वगैरह, उससे 6 mile वो बैलगाड़ी से चले। उसके बाद जो बचा हुआ रास्ता था वो पैदल चलते गए, और फाइनली कहाँ जाना था उन्हें, उन्हें जाना था उनकी आंटी के घर, मिस बैट्सी के यहाँ पर, ठीक है। माई शूज़ वर इन अ वोफुल कंडीशन। आगे बताते हैं उनकी कंडीशन के बारे में, कि मेरे जो जूते थे वो बहुत बेकार कंडीशन हो गई थी उनकी, जूते फट चुके थे मेरे, गंदे हो चुके थे, फट गए थे। एंड माई कैप वॉज ओल्ड एंड डैमेज्ड। इसी तरह से उनकी जो कैप के बारे में बताते हैं कि मेरा जो हुलिया था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मेरे जूते फट चुके थे, मेरी टोपी भी पुरानी और डैमेज हो गई थी। आई लुकड मिजरेबल इन माई क्लोथ्स दैट हैड बीन टॉर्न एंड सोइल्ड विथ हीट ड्यू एंड ग्रास। आगे बताते हैं कि मैं बहुत गरीबी वाली स्थिति में दिखाई दे रहा था, मतलब मेरी जो स्थिति है, अगर कोई मुझे मेरे कपड़ों से देखे तो मेरी जो हालत है वो बहुत दयनीय हो गई थी, किसी को भी मेरे ऊपर दया आ जाती, ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे कपड़े फट चुके थे, उन पर मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि जो जर्नी थी उस जर्नी में उन्हें धूप में से भी निकलना पड़ा, उसके बाद मिट्टियों में भी वो सोए, घास पर सोए, इस तरह से उनके कपड़े फट भी गए और बहुत गंदे हो गए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वाइल सर्चिंग फॉर आंट बैट्सी हाउस इन डोवर आई मेट हर हैंडमेड। जब वो डोवर में पहुंच चुके थे, और डोवर में किसके बारे में ढूंढ रहे थे, अपनी आंटी के घर के बारे में ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, तो उन्हें कौन मिली, उनकी हैंडमेड मिली, वहाँ पर उनके घर पर जो काम करती है वो उन्हें मिली। शी लेड मी द हाउस वेयर आई वॉज डेस्टिन टू फाइंड अ रेफ्यूजी एंड केयर। अब आगे जब डोवर में पहुंच जाते हैं, तो आंटी के घर पे कौन लेके जाती है, उनकी हैंडमेड उन्हें लेकर के जाती है, और वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा रहने का ठिकाना मुझे मिल गया है, यहाँ पर मैं सुरक्षित रहूँगा और मेरी देखभाल भी यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए, एज आई एंटर्ड द गार्डन गेट आई सो अ बेस्पेक्टिकल्ड परप्लेक्स्ड लुकिंग जेंटलमैन लुकिंग एट मी फ्रॉम एन अपस्टेयर्स विंडो। अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं गार्डन के गेट के पास पहुँचा, मैंने देखा कि एक चश्मा पहरा हुआ व्यक्ति जो जेंटलमैन की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन कन्फ्यूज था, ठीक है, परप्लेक्स्ड का मीनिंग होता है कन्फ्यूज, एक चश्मा पहने हुआ एक कन्फ्यूज और एंग्सियस, मतलब उत्सुक की तरह दिखने वाला एक जेंटलमैन मुझे ऊपर की विंडो से देख रहा था। साइमल्टेनियसली अ लेडी अपीयर्ड एट द डोर, और उसी टाइम एक लेडी डोर के पास आती है, ठीक है, जब ऊपर से एक मैन उन्हें देख रहा था, एक जेंटलमैन उन्हें देख रहा था, उसी टाइम एक लेडी भी दरवाजे पर आई। इंस्टेंटली आई न्यू दैट शी वॉज मिस बैट्सी बिकॉज शी वॉक्ड आउट हर हाउस जस्ट द वे माई मदर हैड डिस्क्राइब्ड हर माई होम इन एट ब्लंडर स्टोन। अब हमें पता चला है कि जो जिसकी जर्नी हो रही है, यहाँ पर जो ऑथर है, उसका घर कहाँ पर है, ब्लंडर स्टोन में वो रहते हैं,
और वो कहते हैं कि इंस्टेंटली, मतलब उसी समय मैं पहचान गया, मुझे पता चल गया कि जो लेडी डोर पर आई है वो कौन है, वो मेरी आंट है, मिस बेट्सी। क्योंकि जब आंटी मेरे घर आई थी तो मेरी मम्मी ने उनका डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था कि आंटी किस तरह से दिखाई देती है और कैसे वो चलती है, तो उनके आने से मुझे पता चल गया कि यही लेडी मेरी आंटी है, क्योंकि उनके बारे में उनकी मम्मी ने उन्हें बताया था। लुकिंग एट मी शी शाउटेड गो अवे नो बॉयज हियर। अब मेरी तरफ देख करके वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, एकदम शाउट करके चिल्ला करके बोलती है यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बॉयज नहीं रहते, यहाँ पर बॉयज अलाउ नहीं है। आई इफ़ यू प्लीज मैम आई प्लीडेड। अब वो थोड़े विनम्र तरीके से बोलते हैं, गिड़गड़ाने वाली जो स्थिति होती है इस तरह से बोलते हैं कि अगर आप मेरी बात सुने, इस तरह से मेरी बात सुनिए। शी स्टार्टेड एट मी वंडरिंग हु आई वाज। अब जो आंटी है वो उसकी तरफ देखती है और एक आश्चर्य सा होता है कि ये लड़का कौन है, कौन है ये। इफ़ यू प्लीज आंट आई एम योर नेफ्यू आई रिपीटेड सॉफ्टली। बड़े धीरे से, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से वो कहता है कि मेरी बात सुनिए आंट, मैं आपका नेफ्यू हूँ। नेफ्यू का मीनिंग होता है भतीजा। आंट बेट्सी रिएक्शन वाज वन ऑफ द ग्रेट सरप्राइज। जैसे ही आंट बेट्सी ये सारी बातें सुनती है उनका रिएक्शन बिल्कुल सरप्राइज जैसा होता है, मतलब एक आश्चर्य सा उन्हें होता है। सी स्ट्रेचर्ड बैक एंड सेट राइट इन द गार्डन। अब वो क्या होता है, जैसे उन्हें पता चलता है कि ये जो गरीब दिखने वाला फटे पुराने कपड़े वाला मेरा भतीजा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वे लड़खड़ा जाती है और वहीं गार्डन के रास्ते पर बैठ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई कंटिन्यूड आई एम डेविड कॉपरफील्ड ऑफ ग्लंडरस्टोन। मैं बोलता रहा, उनसे कहता रहा कि मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ, कहाँ से आया हूँ, ग्लंडरस्टोन से, इन सफोल्क, वेयर यू केम ऑन द नाइट व्हेन आई वाज बोर्न एंड सो माय डियर मॉम। जहाँ पर आप आई थी जब मैंने जन्म लिया था, आप आई थी मुझे, मेरी मम्मी को देखने, आप मेरी माँ से मिली थी। तो ये सारी बातें याद दिलाता है डेविड। यहाँ पर पता चला हमें कि उस लड़के का नाम डेविड था जो घर छोड़कर भाग गया था अपनी आंट के पास। उसका घर था ब्लंडरस्टोन में और वो अपनी आंट को सारी बातें याद दिलाता है कि जब मेरा जन्म हुआ था आप मेरी माँ से मिलने आई थी। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस शी डेड। मैं जब से मेरी माँ गुजर गई है, मेरी माँ नहीं रही, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। आई हैव बीन ह्यूमिलेटेड। मुझे बहुत परेशान किया गया, मुझे बहुत बेइज्जत किया गया। टॉट नथिंग, कुछ भी नहीं सिखाया गया, पढ़ाया गया। एंड पुट टू हैवी वर्क, और मुझसे बहुत हैवी वर्क कराया गया है। आई हैड नो चॉइस बट टू रन अवे टू यू। मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी आपके पास आने के सिवाय। ये सारी बातें वो अपने आंट से बताता है कि मैं बहुत परेशान हो गया था तो इसलिए मैं आपके पास घर छोड़कर भाग आया। आई वॉज टेलिंग माई आंट अबाउट माई चाइल्डहुड वेन ऑल एट वंस आई ब्रोक इन टू टीयर्स। मैं अपनी आंट को मेरे बचपन के बारे में बताता रहा, उन्हें सारी चीज़ें बताता रहा और तभी मेरी आंखों से आंसू आ गए। मतलब अपनी स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी को वो अपने आंट को सुनाते सुनाते रोने लग गया। आई फेल ऑन माई नीज एंड ले माई हेड ऑन हर वार्म लेप। अब रोते रोते अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते वो क्या हो जाता है, अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सिर अपनी आंट की गोदी में रख देता है, उनकी गोद में अपने सिर को रख देता है, क्योंकि उसे प्यार की कमी थी, उसे बचपन से किसी ने प्यार नहीं किया था, उसे ममता चाहिए थी, इसलिए वो प्यार पाने के लिए, ममता पाने के लिए अपनी आंट की गोद में लेट जाता है। शी कॉल्ड आउट फॉर अ जेंटलमैन टू असिस्ट हर। अब आंट एक जेंटलमैन को बुलाती है उनकी मदद करने के लिए। एज ही एंटर्ड शी सेड, जैसे ही वो आते हैं वो कहती है यू हैव हर्ड मी मैंशन माई नेफ्यू डेविड कॉपरफील्ड हैवंट यू। वो कहती है कि आपने सुन लिया होगा, आपने मुझे सुन लिया होगा मेरे नेफ्यू को मेंशन करते हुए, है ना, जो इसका नाम क्या है, डेविड कॉपरफील्ड है। मिस्टर डिक, अब यहाँ पर जो ऊपर से जो चश्मा पहने हुए इंसान थे जो ऊपर से झांक रहे थे विंडो से, उनका नाम हमें पता चला है, उनका नाम है मिस्टर डी। सीम्ड टू बी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब कन्फ्यूजन में ना, मिस्टर डीक जो लग रहे थे किस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में लग रहे थे। बट मिस बेट्सी कंटिन्यू टू स्पीक वेल दिस इज माई नेफ्यू एंड ही हैज रन अवे नाउ वाट शुड वी डू विथ हिम। वो उनसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो ठीक है, पर ये जो ये है मेरा नेफ्यू और ये घर से भाग आया है, है ना, ये भाग कर हमारे पास आया है। अब नाउ वाट शुड वी डू विथ हिम, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब ये सब कुछ छोड़कर हमारे पास में आया है तो आप बताइए कि हम इसके साथ क्या करें। डिक सजेस्टेड दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन अ बाथ।
ड्रिक सबसे पहले ये बताते हैं कि ये बड़ी दूर से आया है और पूरा गंदा सा हो गया है, इसके कपड़े भी खराब हो गए हैं, तो सबसे पहले इसे नहा लेना चाहिए, सबसे पहले इसे नहला दो। इस तरह से उन्हें पहले सजेशन देते हैं। द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई एकिंग लिम्स। अब उन्हें नहलाया जाता है, उस बच्चे को नहलाया जाता है, और नहलाने से उसकी बॉडी का थोड़ा दर्द कम होता है। आई वॉज क्लोथ्ड इन अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स दैट बिलोंग टू मिस्टर टी। नहाने के बाद उसे कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, शर्ट और ट्राउजर दिए जाते हैं, जो किसके होते हैं, मिस्टर डिक के, मतलब मिस्टर डिक के कपड़े उन्हें पहनने के लिए दिए जाते हैं नहाने के बाद उस बच्चे को। देन आई वॉज कवर्ड इन टू ग्रेट शॉल्स विच वार्म्ड माई बॉडी। उसके बाद उन्हें दो शॉल ओढ़ाई जाती है, दो शॉल ओढ़ने के लिए दी जाती है ताकि वो ठंड से बच सके, अपने आप को गर्म रख सके। उसके बाद देखिए क्या होता है। आई फेल इन टू अ डीप स्लीप एंड आई वॉज ब्रोक वोकन अप एट डिनर टाइम। तो क्या होता है कि नहा ले, नहाने के बाद में कपड़े चेंज कर लिए, मिस्टर डीप के कपड़े पहन लिए, उसके बाद में ओढ़ने के लिए उन्हें शॉल दी जाती है, वो भी दो, ताकि अपने आप को गर्म रख सके, और वो सोने चला जाता है, सो जाता है। और कब उठता है, डिनर के टाइम पे, मतलब थका हुआ उसकी जर्नी से होता है, तो वो सो जाता है और डायरेक्ट डिनर के टाइम पर उसकी नींद खुलती है। द डिनर वॉज अ ग्रेट अ ट्रीट एज आई हैड नॉट टेस्टेड बिफोर गुड फूड फॉर लॉन्ग। अब डिनर के बारे में यहाँ बात करें कि जो डिनर उसे मिला था वो एक ट्रीट के जैसा था, एक फेस्टिवल के जैसा था, क्योंकि छोटे से लेकर के तो जो उसकी उम्र हुई थी उसने अभी तक इस तरह का अच्छा खाना नहीं खाया था, बहुत समय हो गया था उसे इतने टेस्टेड खाने से, है ना। तो बहुत देर के बाद में, बहुत समय के बाद में उसे इतना अच्छा खाना मिला था, इसलिए वो कहता है कि ये मेरे लिए एक ट्रीट जैसा था। आई नरेटेड माई एगोनाइजिंग पास्ट टू माई आंट इन एज मच डिटेल as much detail as I possibly could। अब वो कहता है कि मैं सुनाता रहा उन्हें, मैंने उन्हें अपने पेनफुल दर्द भरे पास्ट के बारे में उन्हें सुनाया, जितने डिटेल में मैं सुना सकता था उतनी डिटेल में मैंने उन्हें अपने पास्ट के बारे में सारी बातें बताई कि देखो मेरा पास्ट कितना दर्द भरा था, कितनी तकलीफें, कितने दर्द मैंने मेरे पास्ट में सहे। आई वॉज डीपली एंशियस रिगार्डिंग माई फ्यूचर बट आई चोज नॉट टू टॉक ऑफ इट दैट नाइट। अब वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित था, लेकिन उस रात मैं ये सारी बातें करके उस रात को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बात करना अच्छा नहीं समझा। वो यूँ सोच रहा था कि हम इतनी अच्छी रात को ख़राब क्यों करें ऐसी बातें करके, तो उसने अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी बात उनसे नहीं करी। द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट Aunt Betsy has written to my stepfather about my presence in her house. अब नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि आंटी, जो उनकी आंटी थी, उन्होंने उनके स्टेप फादर को उनकी प्रेजेंस के बारे में एक लेटर लिखा कि आपका बेटा कहीं गुमा नहीं है, वो मेरे पास में आया है, मेरे पास आया है, आप ज़्यादा परेशान मत होना। इस तरह का उन्हें लेटर एक लिख दिया कि जो डेविड है वो मेरे पास में है, मेरे घर पर है। द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी एंड टेकिंग मी बैक वॉज एग्नोइजिंग। अब उन्हें थॉट, विचार आ रहे थे उनके मन में, उनके स्टेप फादर को लेकर के, कि ऐसा ना हो कि मेरे स्टेप फादर मुझे ट्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाए और मुझे फिर से उस दर्द भरी ज़िंदगी में लेकर के चले जाए, जहाँ से मैं भागा था। तो ये उनके मन में एक चिंता उन्हें सता रही थी। द डेज दैट फॉलोड वर स्पेंट इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। अब लेटर लिखने के बाद जितने भी दिन तक उनके स्टेप फादर नहीं आए, वो सारे दिन कैसे कटे, बिल्कुल चिंता में कटे कि ऐसा ना हो कि वो आ जाए और मुझे ले जाए, इस तरह की वो सोचते रहे। फॉर्चुनेटली मिस्टर डिक ग्रू फॉन्ड ऑफ मी एंड आई गोट टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। अब यहाँ पर भाग्यशाली हम बता सकते हैं उन्हें कि एक सौभाग्य से क्या हो रहा था, मिस्टर डिक को डेविड से लगाव होने लगा, है ना, मतलब जो मिस्टर डिक का जो आकर्षण है वो डेविड के लिए बनने लगा, दोनों के बीच में अच्छे संबंध बनने लगे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे और वे अपना समय, कुछ समय उसके साथ बिताने लगे। मिस्टर मेमोरेबल मोमेंट्स दैट आई शेयर्ड विथ मिस्टर डिक। अब यहाँ पर वो अपने कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बताता है जो उसने मिस्टर डिक के साथ शेयर किए थे। वो क्या है, हुज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स वॉज इनसरमाउंटेबल इज्ड माई डिस्कम्फर्ट टू सम एक्सटेंड। वो बताता है कि उनके साथ, उनको क्या था, मिस्टर डिक को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो उनका जो पतंग उड़ाने का तरीका वो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उस फन में वो अपने डिस्कम्फर्ट, जो कि वो घबरा रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी डेविड को घर वहाँ पे उसके स्टेप फादर के आने की, उससे कुछ देर के लिए उसे
मुक्ति मिली, कुछ देर के लिए वह नो टेंशन हो गया, ज़्यादा उसे परेशानी का सामना, मतलब अपनी परेशानी को कुछ समय के लिए भूल गया जब उनके साथ वो पतंग उड़ा रहा था। ये उसका एक मेमोरेबल मोमेंट था। वन डे मिस बेटिस आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक, ठीक है, वो पूछती एक दिन मुझसे, आंटी ने डेविड से पूछा एक दिन कि आप तुम डिक के बारे में तुम्हें क्या लगता है, कैसे हैं डिक? तो वो आई रिप्लाइड, मैंने कहा ही इज़ वेरी नाइस, कि वो बहुत अच्छे हैं। मिस बेटी देन इन्फॉर्म्ड मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हर्स एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इनसेन बाई हिज ओन ब्रदर। अब यहाँ पर जो उसकी आंटी थी वो किसके बारे में बात करती है, मिस्टर डिक के बारे में, कि जो मिस्टर डिक है वे मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, है ना, और मिस्टर डिक को उन्हीं के भाई ने एक मेंटली इल, मतलब दिमाग की संतुलन, मतलब पागल करार करके उन्हें वहाँ से भगा दिया, उन्हें निकाल दिया। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर डिक मेरे जो दूर के रिश्तेदार है उन्हें उन्हीं के भाई ने पागल करार दे दिया। मिस बेटी हैड कम टू हिज रेस्क्यू एंड गॉट हिम होम। मिस बेटी वहाँ जाती है और उन्हें अपने घर रेस्क्यू करके ले आती है, मतलब उनके घर से उन्हें लेकर आ जाती है कि अब तुमने इन्हें पागल करार कर दिया, अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, मैं इन्हें अपने साथ रखूँगी, इस तरह से। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बिन लिविंग विथ हर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, और जो उनकी आंटी है वो बताती है कि जो मिस्टर डिक है वो मेरे साथ पिछले 10 सालों से रह रहे थे, है ना, मिस्टर उसकी आंटी और मिस्टर डिक पिछले 10 सालों से एक साथ रह रहे थे। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब ये सारी बातें जब उसकी आंटी उसे बताती है तो उसकी नज़रों में अपनी आंटी के लिए जो प्यार है, जो अफेक्शन है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, है ना। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो अब मेरी नज़रों में अब मेरी आंटी के लिए जो मेरा प्यार था वो कई गुना और बढ़ जाता है, जो इज्जत थी वो कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा डेविड कहता है। द नेक्स्ट डे मिस्टर मर्डस्टोन रोड इनटू द गेट विद हिज सिस्टर। अगले दिन क्या होता है, मिस्टर मर्डस्टोन अपनी सिस्टर के साथ में अंदर आते हैं। मिस मर्डस्टोन, है ना, जो उनकी सिस्टर कौन थी, मिस मर्डस्टोन और मिस्टर मर्डस्टोन, ये दोनों भाई बहन थे, है ना, वो आते हैं अंदर। मिस बेटी फर्स्ट री अप्रोच्ड मिस मर्डस्टोन फॉर फॉलोइंग हर डंकी टू ट्रैम्पल द एज ऑफ हर लॉन। अब क्या होता है, सबसे पहले मिस बेटी जो होती है उसकी आंटी, वो मिस मर्डस्टोन को फॉलो करती है, मतलब उनके पास जाती है उनके डंकी की खबर लेकर के, कि जो आपका डंकी है वो मेरे लॉन में आकर के सारी जो घास वगैरह है सब अस्त व्यस्त कर देता है, इस तरह से एक शिकायत लेकर के उनके पास में हो जाती है। देन शी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर्स। उसके बाद में वो मुझे बुलाती है, मेरी आंटी मुझे बुलाती है कि देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं, जो मेहमान आए हैं उनसे मिलने के लिए मुझे बुलाती है। मिस्टर मर्डस्टोन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट डिसप्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर। अब मिस्टर मर्डस्टोन, मतलब उसके अंकल की बात हो रही है यहाँ पर, उसके स्टेप फादर की बात हो रही है, कि उसके स्टेप फादर बताते हैं मेरे मिसबिहेवियर के बारे में, कि वो कहते हैं कि जो डेविड है ये हमारे घर पर, इसका जो बिहेवियर है इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये बहुत डिसबिहेव करता है, वहाँ पर मिसबिहेव करता है हमारे साथ में। ही सेड, आगे वो क्या कहते हैं, देखिए आगे वो कहते हैं दिस बॉय हैज कॉज्ड मच ट्रबल इन द पास्ट। वो कहते हैं कि इस लड़के ने पास्ट में हमें बहुत सारी ट्रबल दी है, मतलब बहुत सारी मुसीबतें इसने खड़ी की है, ऐसा वो डेविड के बारे में बताते हैं उसके स्टेप फादर। ही हैज़ अ रेबेलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर। वो बताते हैं उसके बारे में कि एक रेबल तरीके का लड़का है। रेबल किसे बोलते हैं, जो किसी नियम कानून को मानता नहीं है, मतलब अनुशासन में नहीं रहता है, जो मन में आता है वही करता है। तो इस तरह बोलते हैं उसके स्टेप फादर कि ये लड़का किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, और इसका जो सहन शक्ति है वो भी बिल्कुल नहीं है, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इस तरह से उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि इसका बिहेवियर इतना ख़राब है वहाँ पर। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वाइस बट ऑल इन वैन। वो कहते हैं कि हमने इसकी जो आदतें हैं इन्हें सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सारा व्यर्थ रहा, ये हमसे बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं था। हमने बहुत प्रयास किया इसे सुधारने का, कि हम इसे सुधारें, इसकी आदतों को सुधारें, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इन टर्न माई आंट आस्क्ड इफ ही हैड बीन योर ओन बॉय वुड यू हैव बीन बीटन हिम एंड सेंड हिम ऑफ
to a house in London at such a teacher age, tender age. अब वो कहते हैं, अब यहाँ पर आंट जो उसकी आंटी है वो उसका पक्ष लेकर के कहती है, उसके फेवर में कहती है कि अगर ये आपका बेटा होता तो क्या आप इसे इस तरह से मारते, या इस तरह से इसकी पिटाई करते, या इस तरह से इसे ट्रीट करते, या फिर इसे भेज देते इतनी दूर लंदन, वो भी इतनी छोटी एज में. ये सारे जो उसकी आंटी है वो उसके स्टेप फादर से कहती है. मिस मर्डस्टोन रिप्लाइड शार्पली. अब उसी टाइम जो उसकी बहन थी मिस मर्डस्टोन, वो कहती है, तेजी से बोलती है, इफ़ ही हैड बीन माई ब्रदर्स ओन सन हिज कैरेक्टर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. वो कहती है, अगर ये मेरे भाई का बेटा होता है ना, मेरे भाई का रियल बेटा होता, खुद का बेटा होता, तो इसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होता, बहुत अलग कैरेक्टर इसका होता. आगे देखिए, मिस्टर मर्डस्टोन एडेड दैट ही वुड टेक मी बैक एंड डिस्पोज मी ऑफ एज ही थॉट राइट. यहाँ पर डिस्पोज का मीनिंग होता है गेट रीड ऑफ, मतलब पीछा छुड़ाना है ना. वो क्या कहते हैं, उसी उनकी जो बात चल रही थी उसी में बात जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं इसे वापस लेके जाऊंगा और पीछा छुड़ाऊंगा जैसा कि मैंने सोच रखा है. मतलब उसके बारे में कुछ सोच रखा होगा उन्हें कुछ, तो कहता है कि जितनी भी इसकी आदत है सारी से इसका पीछा मैं छुड़ाऊंगा. माई आंट सिंपली इन्फॉर्म्ड द टू विजिटर दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ सेंडिंग मी बैक विद देम, इंस्टेड शी हैड डिसाइडेड टू बी माई गार्डियन. अब यहाँ पर आंट उन्हें साफ साफ कह देती है, उन दोनों विजिटर्स को जो उन्हें लेने आए थे डेविड को, उन दोनों से कह देती है कि उनका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो मुझे वापस उनके साथ में भेजे. मतलब वो नहीं चाहती है कि मैं उनके साथ फिर से वहाँ पर जाऊँ, और इसकी बजाय तो वो ये चाहती है कि अब मैं उनके साथ रहूँगा. मतलब जो आंटी है वो मुझे अपने साथ में उनकी उनके गार्डियन बनकर वो रहेगी, मेरी सुरक्षा वो करेगी, मेरी मम्मी पापा जो भी देखभाल करने वाला होता है वो बन करके मेरी वहाँ पर वो रहेगी, उनकी संरक्षण में, उनकी सुरक्षा में मैं रहूँगा, ऐसा चाहती है उसकी आंटी. बिफोर मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन लेफ्ट, मिस बेटी सेड गुड बाय, गुड डे सर एंड गुड बाय. अब सारी बातें ख़त्म हो जाती है, और जब जाने का समय होता है मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन का, उससे पहले ही जो मिस बेटी वो कह देती है गुड बाय सर, गुड डे सर एंड गुड बाय. मतलब पहले ही वो कह देती कि अब आपका दिन अच्छा रहे, आपका दिन शुभ रहे, और आप जा सकते हैं, बाय बाय. मतलब एक तरह से अपनी तरफ से हम कहते हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारा हो गया. इस तरह से वो उन्हें कह देती कि अब हम तुम्हें यहाँ पर और रुकने नहीं दे सकते, अब तुम जा सकते हो. ठीक है. लुकिंग एट मिस मर्डस्टोन शी एक्सक्लेम्ड. अब मिस मर्डस्टोन को देख करके वह चिल्लाती है एंड गुड डे टू यू मैम. और वो कहती है कि मैम को देख करके बोलती है कि आपका भी दिन अच्छा हो मैम, लेट मी सी यू राइड अ डंकी ओवर माई ग्रीन लॉन अगेन, आई विल नॉक योर बॉनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रीड अपॉन इट. वो यूँ कहती है, मैम को नोटिस करते हुए कहती है, जो उसकी बहन थी मिस मर्डस्टोन को कहती है कि आपके लिए भी आपका दिन अच्छा हो मैम, अब आपके जो डंकी है वो इन्हें ताना मारती है कि आपके डंकी को मेरे हरे भरे जो गार्डन उसमें आने दो, मैं क्या करूँगी उसका, मतलब एक ताना मारती कि आने तो दो, मैं देख लूँगी तुम्हें, ठीक है, अब मत आने देना तुम्हारे डंकी को इधर. एक धमकी जैसा एक शब्द का उन्होंने यूज़ किया है. ठीक है. वंस द मर्डस्टोन हैड लेफ्ट, माई आंट टर्न टू मिस्टर डिक एंड सेट, विल यू कंसिडर बींग डेविड्स गार्डियन जॉइंटली विथ मी. अब जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं, उसकी सिस्टर और मिस्टर मर्डस्टोन चले जाते हैं, जो उसकी आंट है मिस बेटी, वो मिस्टर डिक से पूछती है, उन्हें कहती है कि क्या आप मेरे साथ मिलकर डेविड के गार्डियन बनना चाहोगे, मतलब मेरे साथ मिलकर डेविड की देखभाल करना चाहोगे. ये बात जो आंटी होती है वो पूछती है मिस्टर डिक से. मिस्टर डिक कहते हैं, वो भी स्माइलिंगली, मतलब खुश होकर के वो रिप्लाई करते हैं, आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द गार्डियन ऑफ सच अ ब्राइट यंग मैन. वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी गार्डियन बनने में इतने अच्छे बच्चे की, जो इतना अच्छा मैन है, यंग मैन है, इसका गार्डियन बनने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, ये मेरा सौभाग्य रहेगा. इस तरह से वो उन्हें कहते हैं कि हाँ मैं भी एग्री हूँ आपकी बात पर. विथ अ डीप साई माई आंट सेड देन दैट्स वेल सेटल्ड. ठीक है. अब डीप साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना. गहरी सांस लेते हुए जो उसकी आंट होती है वो कहती है कि सब कुछ अब सही से सेटल हो गया, मतलब सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया. आगे, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम्स. अब
यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं इतना खुश हुआ था कि मैंने अपनी आंट को गले लगा लिया और उन्हें बहुत बार किस किया। यहाँ पर किस करने का मतलब होता है कि अपने एक बेटा अपनी माँ को किस तरह से स्नेह करता है वो बताता है, तो वो किस करके और गले लग करके अपने अफेक्शन को अपनी आंटी के प्रति बताता है। आई शुक हैंड्स विथ मिस्टर डीक रिपीटेडली, और मिस्टर डीक का भी आभार व्यक्त करते हुए, उनका भी थैंक यू करते हुए बार बार उनके हाथ को पकड़ करके कंटिन्यूसली हाथ हिलाते रहा, मतलब उनका धन्यवाद करता रहा। आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था टू हैव द टू ऑफ देम एज माई गार्डियंस, मतलब मैं उन दोनों को अपना गार्डियन के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था, बहुत खुश था। दस इस तरह से आई बिगेन माई न्यू लाइफ, इस तरह से मैंने अपनी नए जीवन की शुरुआत की। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेसन, अब आगे इस लेसन को हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इस स्टोरी को। तो इस तरह से ये था हमारा चैप्टर थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा लगा मुझे भी चैप्टर पढ़ने में, और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़िए, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और इसके क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।